Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. How could I be so lonely, taken from familyfriendspoem.com, translated in Urdu by Tariq Aziz? How could I be so lost? मैं कैसे गुम हो सकता था, मैं किस तरह गुम हो गया था। ये इस लाइन की उर्दू है, लेकिन हर लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी है। याद रखिएगा, ये जो मैंने लाइन पढ़ी है ये अगली लाइन से जुड़ी हुई है। जब तक आप अगली लाइन नहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये क्या कहा गया है। हाउ कुड आई बी सो लॉस्ट, मैं कैसे गुम हो सकता था। In a place I know so well, मैं कैसे गुम हो सकता था ऐसी जगह पर जिसे मैं अच्छी तरह जानता था। मैं कैसे गुम हो सकता था उस जगह पर जिसे मैं अच्छी तरह जानता था। How could I be so broken? मैं कैसे इतना ज़्यादा टूट सकता था, मैं कैसे टूट के बिखरा, मैं कैसे टूट के बिखर गया था, मैं कैसे इतना ज़्यादा टूट सकता था या मैं कैसे टूट के बिखर गया था। इन अ फैमिली सो टुगेदर, मैं कैसे टूट सकता था जहाँ सारे घर वाले मिल के रहे। मैं कैसे टूट के बिखर सकता था जहाँ सारे घर वाले मिलकर रहते थे। सब जहाँ एक साथ एक घर की तरह रहते थे, मैं वहाँ कैसे टूट के बिखर गया, मैं कैसे वहाँ टूट सकता था। अगर देखा जाए ये एक तंस भी है और इसको उलट मायने में भी लिया जा सकता है। हाउ कुड आई बी सो लोनली, मैं कैसे तन्हा हुआ था, मैं कैसे अकेला हो सकता था। सराउंडेड बाय सो मैनी, जहाँ बहुत सारे थे, घिरा था बहुत बहुतों से, जहाँ मैं घिरा हुआ था बहुतों से, ऐसी जगह में तन्हा कैसे हो सकता था, मैं अकेला कैसे हो सकता था। यानी मैं अकेला कैसे हो सकता था ऐसी जगह जहां मैं बहुत ज़्यादा घिरा हुआ था बहुत लोगों से, बहुतों से। हाउ कुड आई बी सो अनहैप्पी, मैं कैसे नाखुश हो सकता था। सराउंडेड बाय सो मच ब्यूटी, खूबसूरती से जहां मैं घिरा था, मैं कैसे नाखुश हो सकता था क्योंकि मैं तो घिरा हुआ था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से। क्योंकि जब इंसान खूबसूरत जगह होता है तो वो खुश रहता है, फूलों को देखता है खुश होता है, साफ़ सुथरी जगह पे होता है खुश होता है। लेकिन वो कह रहा है मैं कैसे ना खुश हो सकता था, मैं कैसे ना खुश हो सकता था जबकि मैं घिरा हुआ था बहुत ज़्यादा खूबसूरती से। एंड आखिरी लाइन है और इस लाइन को पढ़कर शायद आपको मज़ा आ जाए। हाउ कुड आई बी मी, हाउ कुड आई बी मी, ये कैसे मैं हो सकता था। यानी मैं खुद हैरान हूँ, ये मैं कैसे मैं हो सकता था। व्हेन इवन आई रिमेन अ मिस्ट्री, जबकि मैं अब तक राज हूँ, जबकि मैं अभी तक
राज हूँ। ये कैसे मैं हो सकता हूँ कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ। मैं एक राज हूँ जिसका किसी को नहीं पता, तो मैं ये कैसे मैं हो सकता हूँ जो एक अब तक राज हो। ये थी बहुत ही प्यारी एक पोयम जिसे मैंने आपके सामने पढ़कर ट्रांसलेट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहनों और दोस्तों को दुआओं में याद रखें। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको कामयाबी नसीब अता फरमाए। दुनिया और आखरत दोनों की कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।